नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और शुरुआत करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला है। शहडोल के दौरे पर आए पीएम मोदी ने विपक्ष की गारंटी का मतलब बताया, बोले उनकी गारंटी में खोट है। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट। शहडोल के दौरे पर आए पीएम मोदी इसी अंदाज में विपक्ष पर बरसे। विपक्ष की गारंटियों का मतलब समझाया, बोले जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं है वो गारंटी वाली नई नई स्कीमें लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को बांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपड़ करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, वो 70 सालों में गरीब को भोजन नहीं दे सके, महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, गरीब के पैरों पर खड़ा होने की गारंटी नहीं दे सके। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पीएम मोदी के इस हमले पर कांग्रेस बौखला गई है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जिस परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है उस परिवार ने देश के लिए प्राण न्योछावर किए हैं। कांग्रेस को किसी राजनीतिक दल की गारंटी की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी साहब, उसी परिवार ने जिस स्कूल में आप पढ़े हो ना, स्कूल की बिल्डिंग भी उन्होंने बनाई है। उल्टे आप तो जो सरदार पटेल साहब के नाम से जो स्कूल अहमदाबाद में है, उस स्कूल को आपने उद्योगपतियों को दे दिया, जो एक निशानी थी सरदार पटेल की। मैं वहाँ का इंचार्ज रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से। लोग मन से शायद आपको दुआ नहीं देते कि सरदार पटेल की वो निशानी, वो स्कूल आपने उद्योगपतियों को दे दिया। कांग्रेस को किसी की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ये वो परिवार है, मोदी जी सुन लो, जिसके पुरोधाओं ने स्वतंत्रता की सांसें दिलाई हैं, जवानी की जाने कितने बसंत जेल में बिताए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया। इसके साथ ही एक क्लिक से 3.5 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड भी बांटे। पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को भारत सरकार पूरे देश में मनाएगी।
पीएम मोदी शेड्यूल दौरे के दौरान पकरिया गांव भी पहुंचे। यहां उन्होंने खार पंचायत लगाई और स्व सहायता समूह की लखपति दीदियों, ग्राम सभा के सदस्यों, गांव के फुटबॉल खिलाड़ियों, जनजाति प्रतिनिधियों और पेशा समिति के सदस्यों से चर्चा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और उधर छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश के सबसे बड़े बिलासपुर संभाग के मतदाताओं को साधने के लिए पार्टियां अभियान चला रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर दौरा किया, तो वहीं स्वयं भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बूथ चलो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम किया है। 2023 विधानसभा की चुनाव की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुटे हुए हैं, और जिस तरह से बीजेपी की बड़ी सभा बिलासपुर में आयोजित की गई तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बूथ चलो अभियान में शामिल हुए, वहीं डिप्टी सीएम टीएस बाबा भी बूथ चलो अभियान में शिरकत किए। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की प्रभारी है कुमारी शैलजा, उसने भी बूथ चलो अभियान में हिस्सा लिया। तो बिलासपुर सीट कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इस दोनों राष्ट्रीय पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं बिलासपुर में, उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। वही दोनों दल वापसी को लेकर के लगातार दावा कर रहे हैं। विधानसभा सीटों के लिहाज से बिलासपुर प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ विधानसभा की 24 सीटें हैं जिन पर कई पार्टियों की दखल है। बिलासपुर संभाग की 24 सीटों में कांग्रेस के पास 13 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के कब्जे में 7 सीटें हैं। जेएससीसीजे के पास 2 और बसपा के पास भी 2 सीटें हैं। पार्टियां यहां पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी मतदाताओं को लुभाने के लिए केंद्र की योजनाओं को गिना रही है और प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है। रायपुर में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये अटल जी ने दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? बिलासपुर में आपको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए, कैंसर सेंटर दिया है कि नहीं दिया है? रायपुर विशाखापट्टनम रोड 464 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत माला परियोजना में बन रहा है कि बन रहा है? लेकिन मित्रों, मुझे दुख है, ये भूपेश बघेल जी कोई काम नहीं करते। आखिर भ्रष्टाचार में डूबे हुए पत्रकार मेरी बात नोट कर लेना, आखिर भ्रष्टाचार में डूबे, भ्रष्टाचारियों के बादशाह उसके बगैर नहीं हो रहा। राजा ईमानदार हो तो प्रजा में कहीं भी गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन यहां भ्रष्टाचार आखिर भ्रष्टाचार में पूरा हुआ। और जो अच्छे काम रमन सिंह जी ने किए थे उस पर अपना लेबल चिपका रहे हैं। कांग्रेस भी यहाँ पूरा जोर लगा रही है। पार्टी सभी संभागों में सम्मेलन कर चुकी है और अब बूथ चलो अभियान में बड़े नेता जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी पहले ही सरेंडर कर चुकी है। वो तो पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभारी बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं, और हताशा में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में, सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा, तीन भरोसा नहीं चलेगा भाई, दूसरे भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं, अब चुनाव 3 महीने बचे हैं, तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है, स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जनता को लुभाने के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जा रहा है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए मेहनत कर रही है, तो कांग्रेस अपनी जीत बरकरार रखने के लिए ताकत झोंक रही है। बस्तर हो या सरगुजा या फिर बिलासपुर संभाग, कोई भी राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह से बिलासपुर में बीजेपी के एक बड़ी सभा हुई, तो उसके जवाब में कांग्रेस के भी आला नेता
खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा यहां बूथ चलो अभियान में हिस्सा लिए। और जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि लगातार जो जिस तरह से दावा हो रहा है कि बीजेपी कह रही है कि 2023 के चुनाव में उसकी वापसी होगी, तो वही कांग्रेस को अपने जो सीट है, जीत का जो दबदबा है, बरकरार करने के लिए लगातार ताकत झोंका जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि बिलासपुर संभाग में भी भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। और जिस तरह बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस को भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। इस कांग्रेस का ये बड़ा चुनावी दाव कहीं ना कहीं देखा जाता है, जबकि बीजेपी इसे झुंझुना बता रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में दोनों प्रमुख पार्टियां सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया गया। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले के बाद टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों कका और बाबा की जोड़ी की चर्चा, कका यानी कि सीएम भूपेश बघेल और बाबा यानी कि टीएस सिंहदेव। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच खींचतान की बातें कही गयी। कई मौकों पर टीएस सिंहदेव को नाराज भी बताया गया, लेकिन अब चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की दमदार जोड़ी नजर आ रही है। टीएस सिंहदेव प्रदेश के डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं। उन्होंने इसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया, आने वाले चुनाव में मिलकर काम करने की बात भी कही। सभी साथियों का गहरा आभार जिनका हमेशा साथ में बना रहा, और हाईकमांड का गहरा आभार जिन्होंने। क्या लगता है कि जो बीजेपी को जो मुद्दा बार बार मिल रहा था, आप लोगों के वैमनस्य फैलाने की बात कह रही थी, तो वो विराम लग गया? लगना चाहिए, पहले भी ऐसी कोई बात नहीं होती मुझे लगता, और आगे भी नहीं होती। 75 पार का आंकड़ा जो नारा दिया गया, क्या वो पूरा हो पाएगा? और भी वो कठिन लक्ष्य है, लेकिन आदमी एक लक्ष्य को लेकर चलता है। हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाया, 36 बिंदु प्रमुख रखे, 281 बिंदु उसके अंदर में थे, उनको पहल करके हमको पहुंचना है। 75 पार भी एक लक्ष्य, कम से कम 2/3 आएगा तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। 75 पार होंगे तो और ज्यादा खुशी होगी। मकसद लोगों का विश्वास अर्जित करना, जो हमने किया उसके आधार पे कि उनको ये लगे कि इतना किया है, आगे भी इन लोग मिलके करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष के रोल में टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में जीत की राह आसान बनाई। इस बार भी पार्टी को इस जोड़ी पर भरोसा है, हालांकि बीजेपी टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने को झुंझुना बता रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया। आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं, उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है। तो बीजेपी सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर सवाल उठा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फैसला, बीजेपी को क्यों तकलीफ हो रही है? भाई, ये हमारी पार्टी का निर्णय है, उनको क्या तकलीफ हो रही है? उनको तो हर चीज में उनको तकलीफ हो रही है। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के बाद कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रही है। ये जोड़ी भी जी जान से जुटी नजर आती है, हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कस रही है। विश्व शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के एक एक फैसले को
काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अपने इस एक फैसले से कांग्रेस ने जहां कार्यकर्ताओं को और जनता को एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने का संदेश दिया है, तो वहीं दूसरी ओर लंबे समय से चली आ रही टीएस सिंहदेव की नाराजगी को भी दूर किया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आने वाले चुनाव में नुकसान होने के डर से कांग्रेस आलाकमान ने इस फैसले को लिया है। हालांकि आने वाला समीकरण किसका ठीक बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर खेमे में उत्साह नजर आता है। दिग्गजों के दौरे से लेकर बूथ चलो तक पार्टियां दंगल की तैयारी में हैं, लेकिन बात सिर्फ अपनी तैयारी की नहीं है, विरोधियों की कमियां भी गिनाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी भी बढ़ती ही जा रही है। कका और टीएस बाबा की जोड़ी कांग्रेस में उत्साह भर रही है, तो बीजेपी की ओर से दिग्गज मैदान में हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब पीएम मोदी हुंकार भरने वाले हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी एक नए जोश में नजर आ रही है और इस बीच वार पलटवार, बयानबाजी का दौर भी जारी है। बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। अब 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल नेपथ्य में धकेल दिया गया है, नए चेहरे को अवसर दे नहीं रहे हैं, और प्रधानमंत्री के चेहरे में कर्नाटक में चुनाव लड़के देख चुके हैं, हिमाचल में लड़के देख चुके, जबकि वहाँ मुख्यमंत्री दोनों जगह मुख्यमंत्री थे, तब वहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ तो वो सत्ता ही नहीं। अब पहले 15 सीट थी, फिर 14 हो गया, अब 13 रह गए, तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी, अब केंद्रीय नेतृत्व भी आज यहाँ झूठ बोल रहे हैं जो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी जोर शोर से दौरे की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश बीजेपी के नेता दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह तो अभी से प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस में बौखलाहट नजर आ रही है, तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कह रहे हैं कि कांग्रेस घबराई हुई है। ये स्पष्ट हो गया है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है, और इनकी बौखलाहट है। भूपेश पर भरोसा नहीं हुआ तो अब सामूहिक निर्णय की बात होने लगी है। सामूहिक निर्णय के साथ साथ बाबा को ले आए हैं, टीएस बाबा ही नहीं राहुल बाबा को भी ले आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पार्टी आज घबराई हुई है, डरी हुई है। 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा और लूट हुआ है, और ये घबराहट में डरी हुई कांग्रेस पार्टी इस तरह की गतिविधि कर रही है, पर इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। जनता ने तय कर रखा है कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का। बीजेपी को कांग्रेस में बौखलाहट और घबराहट नजर आ रही है, तो कांग्रेस की भी ऐसी ही राय है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे पर निशाना साधा, कहा कि यहाँ स्ट्रेंथ नहीं लग रही है तो उसकी भरपाई करने के लिए दौरे हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें लेकर आश्वस्त है। यहाँ अगर स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है तो स्वाभाविक है कि उन लोग आके भरपाई कर रहे हैं। कांग्रेस अपने केंद्रीय लीडर्स के ऊपर उतना नहीं लीन कर रही है। हम यहाँ पर अच्छा काम करके उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम करते आए हैं, तो ये पिछले 4.5 सालों का जो बोनस हमको मिल सकता है, जो हमको 7 नागरिकों का मिल सकता है, उस आधार पे केंद्रीय नेतृत्व भी हमारा विश्वस्त है। तो चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है, पार्टियां अपनी तैयारी में तो जुटी ही हैं, विरोधियों पर भी वार किए जा रहे हैं, बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।